15% लोग नींद नहीं आने की बीमारी से परेशान हैं और करीबन 20% युवा पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अनिद्रा से जुड़ी समस्याएं दोगुनी होती हैं। ये कहना है लोकनायक जय प्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र मडान का। मौका था विश्व स्लीप डे 2021 के अवसर पर आयोजित गोष्ठी का, जिसकी अध्यक्षता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक और हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र मंगईशाली ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विमल कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, फिजिशियन डॉक्टर अरविंद चहल, डॉक्टर कृष्णलाल चावला, फार्मेसी अधिकारी रुचि शर्मा, अतुल शर्मा, रामेश शर्मा, धीरज प्रजापत, विकास मलिक, चंद्र मोहन और लोकेश धवन मौजूद रहे। डॉक्टर मदान ने कहा कि अनिद्रा और नींद से जुड़ी समस्याएं मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इसके चलते हुए कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इनमें अवसाद और डिप्रेशन मुख्य है। एक शोध के हवाले में उन्होंने बताया कि दिमाग का जो हिस्सा सामाजिक तौर पर सहानुभूति के लिए जिम्मेदार होता है, अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो वह बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता और ऐसे लोग दूसरों से अच्छे व्यवहार से नहीं कर पाते। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र मुंबईशैली ने कहा कि फिट रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होना जरूरी है। नींद पूरी ना होने से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, चिड़चिड़ापन, अकेलेपन, पक्षाघात और हृदय आघात और मोटापे की समस्याएं बढ़ जाती है। वर्ल्ड स्लीप डे की पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। इस वर्ष का थीम है नियमित नींद, स्वस्थ भविष्य। समुचित नींद न लेने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अनिद्रा के कारणों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दवाएं, शारीरिक सक्रियता की कमी, शराब अथवा धूम्रपान, लैग सिंड्रोम, नार्कोप्लेसी, रात को सोते समय सोशल मीडिया और मोबाइल का प्रयोग इसके मुख्य कारण है, जिसके चलते अगले दिन सुबह जागने में परेशानी होती है। दिन में काम करते समय भी झपकी आती है और थकान अनुभव होती है और जागने के बाद भी अक्सर नींद आती है। ऐसे लोग नींद की कमी से किसी भी चीज पर एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाते। उन्होंने जनता से अपील की कि संस्कारित जीवन, पारिवारिक एकता और योग्य फिजिशियन अथवा मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह से निद्रा संबंधी रोगों से बचा जा सकता है।